दोस्तों जय हिंद, स्वागत है आप सबका पुनः एक बार मेरे चैनल एग्रीकल्चर सपोर्ट प्लस में। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरी कंबाइन है, ये कंबाइन लगभग 2 सीजन हो चुका है, ठीक है। तो दूसरे सीजन में इस कंबाइन की क्या स्थिति है हम आपको पूरा एनालिसिस करके बताएंगे, ठीक है, पूरा आपको दिखाएंगे। साथ में अगर आप कंबाइन चलाना सीखना चाहते हैं तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कंबाइन से रिलेटेड अगर आप रिपेयरिंग या कोई चीज़ और सीखना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों आइए हम चलिए एक बार आपको करीब से दिखा देते हैं कि स्वराज 8100EX मॉडल जो कंबाइन है इसकी 2 सीजन चलने के बाद स्थिति क्या है, ठीक है। तो शुरू से लेके पहले हम आगे से शुरू करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये कंबाइन मैंने कई कंपनी को अकॉर्डिंग में जो है जब ख़रीदना हम लोग को था तो मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये कंबाइन जो है ख़रीदा था, ठीक है, यूट्यूब और अन्य चीज़ों के जो है सपोर्ट लेकर के। बाकी एनालिसिस आप मोटी मोटा ये समझिए कि बेस्ट है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। परफॉर्मेंस दोस्तों अदर कंपनियों के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही अच्छा है इसका। अभी तो मैं खाली आपको एक झलक दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप लोग जिस तरह से कमेंट करेंगे हम उस तरह से जो है इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। इस समय ये कंबाइन कितने में पड़ रही है, और दोस्तों ये जो है प्रताप मोटर्स संत कबीर नगर का एक एजेंसी है, मैं वहाँ से ख़रीदा था। मैं आपको अगर आप इससे रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हैं या आपको हार्वेस्टर लेना है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा, उस नंबर पे आप जो है कॉल करके भी बात कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक इस कंबाइन का 2रा सीज़न हो चुका है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी जो है प्रॉब्लम फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो कंबाइन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार अंदर की कुछ चीज़ों को दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है दोस्तों कि ये बहुत क्लीन चिट जो है इस कंबाइन का सब कुछ दिया गया है, ठीक है। और ये इसका हैंडल देख सकते हैं आप जो है एकदम पावर स्टीयरिंग है, ठीक है। बाकी आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कंफर्ट को देख करके जो है बहुत ज़्यादा इस कंबाइन हार्वेस्टर में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगा। बाकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और दोस्तों इसमें 2 बैटरी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से बैटरी जैसे आपको कभी कंबाइन खड़ा करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ दिया गया, ठीक है। अगर इसको आप नीचे कर देंगे, अभी तो पावर ऑन है, ऐसे कर देंगे तो पावर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है दोस्तों। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो ये आपको एयर जग मिल रहा है, यहाँ से यहाँ पे एक आप देख सकते हैं पाइप है जिसके थ्रू से हवा मारा जाता है, कंबाइन को साफ़ किया जाता है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस सीज़न ऐसे हो गया कि कंबाइन को साफ़ नहीं किया गया है, बाकी फ़िलहाल आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये SMS के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि धान के सीज़न में SMS का काम लगता है तो उसके लिए पूरा सेटिंग दिया गया, ठीक है। यहाँ पे पीछे SMS लगाया था, चैनल पे एक और वीडियो है SMS वाला भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो SMS अगर आपका अभी तो मान लीजिए गेहूँ का सीज़न आ रहा है, लेकिन अगर आपको SMS की बात होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा कौन सा SMS बेस्ट होता है और स्वराज कंबाइन में किस तरह से SMS लगाया जाता है, ठीक है। या आपको SMS लेना होगा तो भी आप बताइएगा, उस रिलेटेड जो भी कहेंगे वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी मैं ओवरऑल थोड़ा सा इस साइड से आपको दिखा देता हूँ। टायर आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, MRF का टायर है, ठीक है, MRF का टायर है। बाकी आप इस साइड से भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड सीट दिया गया है। दोस्तों आज मैं ऊपर से वीडियो नहीं कवर करूँगा, बाकी बगल से मैं सब कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पंखे के लिए कुछ इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं गल्ला को ले जाने वाला दिया गया है, ठीक है। तो जो भी इसमें मटेरियल लगा गया है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लगा है, और कुल मिला जुला के अच्छा है। MRF का टायर इसमें दिया गया है, एक स्टेपनी भी साइड से दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है टैंक दिया गया है तेल के लिए, ठीक है। तो हार्वेस्टर से रिलेटेड दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। और ये स्वराज का 8100EX मॉडल है, ठीक है। तो हार्वेस्टर या कंबाइन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट टाइप करिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी जानकारी जो है देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। बाकी एक झलक आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कंबाइन चलाना सीखना है या इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करिएगा, मैं उस पर जल्द ही वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों अगर आपको हार्वेस्टर लेना है, कंबाइन लेना है, तो एक बार ज़रूर आप स्वराज कंबाइन EX 8100EX मॉडल को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंबाइन है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। हालांकि मैं चलता हूँ, एक बार आपको ऊपर भी दिखा दे रहा हूँ, एक बार ऊपर का इसका मैं दृश्य आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से जो है ऊपर दिख रहा है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा लीवर सिस्टम यहाँ पे इसका दिया गया है, ठीक है। जो भी गल्ला वगैरह को निकालना जाता है यहाँ से दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे आप पानी रखने का आपको जगह मिल रहा है, और इसके बाद में यहाँ स्टीयरिंग है। यहाँ पे जो है आपको आग के लिए जो है कवर दिया गया, ठीक है, कि अगर आग वग लगती है उसके लिए एक सिलेंडर पाइप दिया गया, ठीक है, फायर का। और ऊपर से एकदम दोस्तों फ्लैट मॉडल है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं दोस्तों, कंबाइन स्वेटर, रख रखाव स्वेटर। दोस्तों मैं आपको कई सारा जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल इस समय इसको खोल दिया गया है, इस चीज़ में इसकी धुलाई नहीं हुई थी दोस्तों। 101 हॉर्स पावर अशोका लेलैंड का इस पर इंजन दिया गया है। बाकी बहुत कुछ है दोस्तों, मैं आपको बहुत विस्तार से इसके बारे में दिखाऊँगा। इसका जो छतरी है ऊपर का, ठीक है, ये प्लास्टिक मटेरियल में दिया गया है। और आप सीट को यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सीट एडजस्टेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट को लेकर के आप दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका कटर बार वगैरह देख सकते हैं, आप स्पीड मीटर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है, हाँ। और यहाँ पे एक आपको मिल रहा है अलग से बैठने के लिए आपका जो है, और बाकी आप इधर से देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बेहतर है, अगर आपको हार्वेस्टर लेना हो तो एक बार जरूर स्वराज 8100EX मॉडल को देखें। और सबसे बड़ी दोस्तों जो इसका लाइट व्यवस्था दी गई है वो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो लाइट का बहुत ही अच्छा है, इसका व्यवस्था है, अदर कंबाइन जो भी है मुझे लगता है कि बेस्ट है, ठीक है। सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो लाइट का दिया गया है, लाइट इसका बहुत तगड़ा है, ठीक है। बाकी आप साइड से भी देख सकते हैं लाइट का, इसमें हर जगह प्रॉपर व्यवस्था दी गई है। और हॉर्न वगैरह हर चीज़ को मतलब देखा जाए जहाँ भी, मुझे लगता है परफेक्ट सिस्टम दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक नीचे टूल बॉक्स भी दिया गया है, ठीक। तो इस तरह से जो है इसमें दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आज मैं बस आपको शॉर्ट में एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइट हो गया है इसमें, ठीक है। बाकी कुल मिला जुला के बेस्ट है दोस्तों। अगर आपको कोई भी कंबाइन लेना हो तो मैं तो आपको कहूँगा कि कंबाइन कोई भी ख़रीदना हो, अगर काम चल जाए तो पुरानी सेकंड हैंड लेकर के काम चला लीजिए। हालांकि पुरानी कंबाइन लेना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, अगर आपका काम चल जाता है तो ठीक है, अगर नई काम चलता है तो आप नई कंबाइन, अगर आपको लगता है कि नहीं 100 या 110% आपको आवश्यकता है नई कंबाइन का, तभी आप हार्वेस्टर लें दोस्तों। अन्यथा हार्वेस्टर का जो है फाइनेंस सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, तो मेरे हिसाब से वो तो सही नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको हार्वेस्टर नया लेना है तो एक बार आप स्वराज 8100EX मॉडल को ज़रूर देखिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि अदर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। तो कंबाइन के विषय में बहुत विधिवत नॉलेज है दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगा, या आपको जो है इससे रिलेटेड कुछ विशेष चीज़ें पूछना होगा तो भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे मैं ये जहाँ से हार्वेस्टर मेरी आई थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगा, प्रताप मोटर्स खैलाबाद का, ठीक है, संत कबीर नगर का, उस पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी चाहे तो आप ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।